हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गूगल परिवार में। और आप कर रहे हैं हमारे साथ आधुनिक भारत। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है शुरू के 2 लेक्चर में चीज़ों को, कि कैसे नए राज्यों का जो भी उदय हुआ, उत्तरवर्ती जो भी मुगल साम्राज्य बचे थे, और कैसे पुर्तगाली और अंग्रेज लोग किस किस टाइम में अपनी उन्होंने कंपनियाँ स्थापित करी, चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की हैं। अगर चीज़ें जो भी नई समझ में आई हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तीसरा लेक्चर है इस सीरीज़ का और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सारी चीज़ों के, जो भी टॉपिक हमारे पढ़ाए जा चुके हैं हमारे चैनल पर, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मास्टर वीडियो का लिंक भी जनरेट कर दिया गया है, उसमें अभी आपको संडे को जो है बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट जो है वो डाल दिया जाएगा। वीडियो आप संडे को उसे देख पाएंगे, पूरा 9 घंटे का वीडियो है। पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी, उसमें पूरा कंप्लीट है 9 घंटे में। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह आप लोग हमारे साथ। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, इससे पहले हमें समझना होगा कि बंगाल पर अंग्रेज जो है ये आधिपत्य क्यों, उसे पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। ठीक है, तो बंगाल पर अंग्रेज इसलिए कब्जा करना चाहते थे, बंगाल का राज्य अभी जो हम लोग सोचते हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल, सिर्फ उतना ही सीमित नहीं था। बंगाल में जो इस तरफ का पूरा एरिया है, ऊपर वाला ईस्ट का, ये इधर का पूरा एरिया जो है बंगाल के, काफी बड़ा एरिया था। आप मैप में देखेंगे पुराने, तो काफी बड़ा एरिया बंगाल में लगता था, और इसलिए ये लोग वहां से दिल्ली पे कब्जा करने के लिए ये लोग बंगाल को हथियाना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, बंगाल पे कब्जा करने के लिए इन्होंने जो भी उस टाइम के बंगाल के जो भी नवाब थे, सारे के सारे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके, मुर्शिद कुली खां, और उसके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन, उसके बाद उनके पुत्र सरफराज खां, ठीक है, उसके बाद अलीवर्दी खां, फिर आपके सिराजुद्दौला बने। इसके बाद ही आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, किसकी, आपकी पृष्ठभूमि प्लासी की भूमि की तैयार हो जाती है। प्लासी की भूमि में जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, क्लाइव और उनके बीच में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, इसी के बीच संधि भी हुई थी युद्ध को लेकर, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा। और अली नगर की संधि के नाम से जाना जाता है इसे, फिर ये आपकी युद्ध आपका खत्म हुआ। इसके बाद आपका मीर जाफर बंगाल के नवाब बनते हैं, फिर आपके मीर कासिम आते हैं, मीर कासिम के बाद आपका मीर जाफर, और बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध होता है। ये सारी बातें अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद जो भी है आगे चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, जो भी लाइन से क्रम है सारा इन लोगों को नवाब बनने का, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। लूसेंट के बुक में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। आपको फिर से बता दूं कि आपको चीज़ें नहीं क्लियर होंगी सारी अगर आप कोई अच्छी बुक थ्योरी वाली नहीं साथ में पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो अभी अगर आप ग्रुप सी तक की चाहते हैं जॉब, तो आप लूसेंट पढ़िए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी कि इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, कब कब क्या क्या घटनाएं घटी हैं। जब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, फिर लूसेंट के बाद आप जो भी बुक उठाना चाहें वो आप बुक तैयार कर सकते हैं वहाँ से, जीएस अपना। ठीक है, तो अभी आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ। इसी तरह सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये सीरीज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। जो भी डाउट हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मुझे, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो बात कीजिए अगर बंगाल की, तो ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले, पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो है वो सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है, इसीलिए अंग्रेज जब आए तो वो इस पे कब्जा करके सीधा दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला युद्ध, अगला पॉइंट जो कि लिखा हुआ है, प्लासी का युद्ध 27 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, जैसा कि मैंने बताया, एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। मैंने बताया था सिराजुद्दौला के बाद ही कि आपको प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का कार्यकाल क्या था, सिराजुद्दौला का कार्यकाल था 1756 से 1757। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण हार गया। नवाब जो आपका सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला की हार हो गई इसमें, क्यों, क्योंकि उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखा दे दिया उसे, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। याद रखिएगा सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार जाता है 1757 की लड़ाई में। इसके बाद आपका प्लासी की लड़ाई में जब ये हार जाता है, तो इसके बाद आपको मीर जाफर जो है, मीर जाफर को बना दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी क्रम है इनका, आपके सिराजुद्दौला जब ये हार जाते हैं, इनका क्रम था 1756 से
1757। इसके बाद मीर जाफर को इसका नवाब बना दिया जाता है बंगाल का, 1757 से लेकर 1760 तक। ठीक है, ये मीर जाफर फिर नवाब रहता है। आगे बढ़ते हैं, मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण ये पराजित हो जाता है और मीर जाफर को जो है इसी के सेनापति को जो है वो बना दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आप देखते होंगे कि पुराने टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा होती थी कि अगर अंग्रेज किसी राजा को हराना चाहते थे तो उस राजा के किसी न किसी परिवार के लोगों को, एक सदस्य को ये लालच लालच देते थे कि मैं तुमको राजा बना दूंगा, तुम बस मेरे साथ हो जाओ, है ना। यानी कि अपने घर वालों को या फिर अपने परिवार को या अपने राज को धोखा दे दो, है ना। तो इसी तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी हिस्ट्री में कि अंग्रेजों ने ऐसा बहुत किया। और वही हुआ सिराजुद्दौला के साथ भी कि उसी का सेनापति मीर जाफर उसे धोखा देता है और फिर आगे चल के वही जो है वो अंग्रेज उसे बंगाल का नवाब बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आगे हम लोग देखेंगे कि उसके साथ भी क्या हुआ। ठीक, देखिए अगला पॉइंट है क्लाइव के हाथों की कठपुतली। क्लाइव के, रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज अधिकारी था, उसके हाथों की कठपुतली नवाब नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेज आपकी हेल्प लेकर किसी और को मार के आपको बना रहे हैं तो कल को किसी और की हेल्प लेके वो आपको आपको साइड करके किसी और को बना सकते हैं, है ना। तो वही उन्होंने मीर जाफर के साथ भी किया कि नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। हम लोग देख रहे हैं सातवां पॉइंट, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सारे बंगाल के नवाबों की लिस्ट है लाइन से क्रम से। ठीक है, तो देखिए सातवां पॉइंट क्या है, मीर कासिम। तो मीर जाफर के बाद उन्होंने मीर कासिम को बना दिया। ठीक है, मीर कासिम कौन था, ये मीर जाफर का दामाद था। ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका, मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंधेर यानी मुगदलपुर स्थानांतरित कर दिया। क्या किया, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंधेर यानी मुगदलपुर स्थानांतरित कर दिया। इसने मीर कासिम ने अपनी राजधानी को वहाँ से ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद से मुंधेर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ आगे देखेंगे। इसके बाद बक्सर का युद्ध, ये भी इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट आए कुछ खास उनमें नहीं हुआ, जो भी फैक्ट हैं वो खाली लूसेंट में दिए गए हैं, वही आपको याद भी रखने हैं, ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बाद आपका बक्सर का युद्ध, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अभी मैंने बताया था प्लासी का युद्ध 1757 में, 2 जनवरी 1757, याद रखिएगा 2 जनवरी 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। एक चीज़ और, क्योंकि लूसेंट में नहीं दी गई है, वो मैं आपको बता दूं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में वो किसके तहत ख़त्म हुई थी, है ना, मतलब कौन सी संधि हुई थी उसके बाद। तो याद रखिएगा कि 2 फरवरी 1757, 2 फरवरी 1757 को आपका प्लासी का युद्ध शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद आपका 2 जनवरी, सॉरी 2 जनवरी को आपका प्लासी का युद्ध शुरू होता है। उसके बाद जो संधि होती है ये आपकी 9 फरवरी को, 9 फरवरी, मैंने फरवरी लिख दिया था ऊपर, याद रखिएगा 2 जनवरी 1757 को आपका प्लासी का युद्ध होता है, 2 फरवरी 1757, 1757 को ही आपको अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि के तहत जो है ये युद्ध समाप्त होता है। ये संधि किसके किसके बीच में हुई, तो ये संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी, और इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित कर दिए गए थे, और इस संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये संधि याद रखिएगा आप, अलीनगर की संधि के नाम से प्लासी का युद्ध जो है समाप्त होता है। इसके बाद बक्सर का युद्ध 1757 में हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया आपका, प्लासी का युद्ध देख लिया। इसके बाद बक्सर का युद्ध देखिए 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में मीर जाफर अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शिजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ। तीन राजा थे इसमें, याद रखिएगा इसमें कौन कौन था, इसमें आपका 1764 ईस्वी में हुआ है, 1764 ईस्वी में हुआ है बक्सर का युद्ध। तो देखिए इसमें अंग्रेजों एवं मीर कासिम और अवध के नवाब शिजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, जो ये आपका मीर का, देखिए
सबसे पहले सिराजुद्दौला से में प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद मीर जाफर को इन्होंने बना, सेनापति था इसको बना दिया, फिर मीर जाफर को हटा के इसके दामाद मीर कासिम को बना दिया, फिर क्या हुआ, मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया, फिर मीर कासिम ने अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, मीर कासिम ने अंग्रेजों से कहा कि युद्ध बंद कर दो, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, और फिर मीर कासिम अवध जो अवध का नवाब था जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला के पास गया था, और सुजाउद्दौला के पास पहुंचा उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था, ठीक है, ये जो भी था यहाँ पर शाह आलम द्वितीय जो कि लिखा हुआ है ना मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। तो अब मैं स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये कहानी बिल्कुल दिमाग में छप जाए, है ना, कि बक्सर का युद्ध आखिर है क्या। तो बक्सर का युद्ध यही है कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुंचा मीर कासिम, ये सुजाउद्दौला के पास गया और वहां पे मुगल सम्राट कौन बैठा हुआ था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। इस प्रकार तीनों के बीच समझौते के तहत उन्होंने अपनी संयुक्त सेना इकट्ठा करी और पटना के पास में बक्सर के पास डेरा डाल दिया सीधा, ठीक है। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए, इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति, इसका सेनापति कौन था ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देते हैं कि जो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था इसमें अंग्रेज सेनापति कौन था, तो अंग्रेज सेनापति आपका हेक्टर मुनरो था, ठीक है, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने जो तीनों लोग पहुंचे, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, ठीक है, तीनों लोगों ने भले अपनी एक साथ सेना इकट्ठा करके हमला किया लेकिन अंग्रेजी सेना के पास काफी ज्यादा मतलब अत्याधुनिक थे वो लोग, काफी ज्यादा उनके पास तोपें थी, बंदूक थी, सैनिक ज्यादा था, ठीक है, तो वो लोग हार गए, तीनों के तीनों हार गए। और इसके बाद क्या हुआ कि जो ये मीर कासिम था, मीर कासिम जो था यहाँ पे, जो ये जो मीर कासिम है, एक सेकेंड मैं इसको कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ कि ये जो मीर, ये आपका मीर जो कासिम था, मीर कासिम जो है उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली भाग गया और वहां पे इसकी 1777 में जो है मृत्यु हो जाती है, मीर कासिम भाग गया दिल्ली 1777 ईस्वी में जो है मीर कासिम की फिर मृत्यु हो जाती है, इसका वहां पे काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो थी बक्सर के युद्ध की, एक बार आप इसे बैक करके वापस वीडियो को फिर से सुनिएगा, इस कहानी को पूरी जो भी आपका प्लासी के युद्ध से लेकर बक्सर के युद्ध तक रही है, तो आपको क्रम बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, अब हेक्टर मुनरो मैंने बता दिया, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम यानी ये रहा मीर कासिम की जगह पर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, ठीक है, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है दोबारा से, मीर जाफर दो बार बना है ना, मीर जाफर दो बार बना है, 1700 आपका 57 से 1760, उसके बाद 1763 से 1765, ठीक है, तो ऐसे दोबारा बना देते हैं। और 5 जनवरी 1765 को, 7 जनवरी, 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो था बंगाल के ऊपर जो अंग्रेज अपना आधिपत्य करना चाहते थे, उन्होंने किस तरह वहां पर स्टार्टिंग करी और किस तरह वहां पर उन्होंने अपना हमला किया और क्या क्या युद्ध हुए, कौन कौन सी संधि हुई, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। एक क्रम इनका और देख लीजिए, जो क्रम रहा है बंगाल के नवाब बनने का, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इनके बाद कौन बंगाल का नवाब बना। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल के नवाब बने। इसके बाद सुजाउद्दीन 1757 से 1739 ईस्वी तक बने और सरफराज खां 1739 से 1740 तक बने, अली वर्दी खां 1740 से 1756 तक। इसके बाद सिराजुद्दौला जिसके टाइम में प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में 2 जनवरी को और 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि हुई, है ना, ये संधि हुई जिसके तहत कि युद्ध इनका बंद हुआ, अली नगर की संधि 9 फरवरी 1757, ठीक है, चलिए। इसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला इसी युद्ध में मीर जाफर जो कि उसका सेनापति था वो उसे धोखा देता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और मीर जाफर को जो है नवाब बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। 1757 से 1760 तक मीर जाफर जो है ये नवाब रहता है। उसके बाद 1760 ईस्वी में मीर कासिम जो कि मीर जाफर का ही दामाद होता है, मीर कासिम को नवाब बना देते हैं, मीर कासिम को बना देते हैं नवाब 1760 से लेकर 63 तक,
लेकिन उसके बाद बीच में ये बक्सर का युद्ध की जो भी स्टोरी थी मैंने बताया कि मीर कासिम जाता है अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास, वहाँ पे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ बातचीत होती है, तीनों लोग अपना गुट बनाते हैं, अपना आक्रमण करते हैं सेना पे, बात नहीं बनती है, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो था, ठीक है। इसके बाद मीर जाफर को जो है पुनः से मीर जाफर को पुनः जो है अंग्रेज जो है बंगाल का नवाब नियुक्त करते हैं 1763 से लेकर 1765 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इतने नहीं है, लेकिन ये तीन लोग जो हैं इसके बाद फिर बंगाल के नवाब रहते हैं। निजाम उद्दौला 1765 से 1766, सैफ उद्दौला 1766 से 1770, और मुबारक उद्दौला, ये तीनों लोग उसके बाद रहते हैं 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग एक नए नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि अंग्रेजों के मैसूर से क्या संबंध थे। मैसूर के बारे में भी इसी तरह, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से बंगाल के बारे में पूरा एक, आपको अगर आइडिया नहीं होगा, आपने अगर नहीं पढ़ा है कहीं से, तो मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि मैं चीज़ें आपको समझा सकूं, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरह अंग्रेजों ने क्या भी क्या क्या चीज़ें की थी। और प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस युद्ध के बारे में भी आपको छोटी से छोटी बात भी मैंने अपनी तरफ से पूरी बताने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ख्याल रखिए अपना। इसी तरह पढ़ते रहेंगे हम लोग, पूरा का पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं इसे, ठीक है। भले वीडियो बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।